हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे कि स्पेशल एंड नॉर्मल रिलेशनशिप किसकी, बैंकर एंड कस्टमर्स के बीच में, कि बैंक और कस्टमर के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है, क्या राइट्स एंड ड्यूटीज फॉलो करनी पड़ती है कस्टमर्स को, बैंक्स को, वो सब हम इसमें देखने वाले हैं। तो बैंक का काम क्या है, एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग, मतलब कि आप सामने वाले से पैसा लेते हैं और जिनको पैसा चाहिए होता है उनको देने का काम करते हैं। तो एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट, अगर किसी को नहीं चाहिए तो उसको आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। एंड ऑफ द मनी रिसीव बाय द पब्लिक, जो पब्लिक आपको पैसा दे रही है उसको या तो किसी और को लेंड करोगे या फिर इन्वेस्ट कर दोगे, और फिर उसको वापस रीपेबल ऑन डिमांड एंड विड्रॉवेबल बाय द चेक, ड्राफ्ट, ऑर्डर एंड अदरवाइज। और अगर सामने वाला पैसा मांग रहा है वापस जो आपको दिया है, तो आप उसको रिटर्न भी कर देते हैं इजीली, चेक, ड्राफ्ट या फिर किसी भी तरीके से, ATM वगैरह से। तो बैंकिंग कैसे डिफाइंड है, पहला फंक्शन है प्राइमरी फंक्शन ऑफ द बैंक की एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड लेंडिंग द इन्वेस्टमेंट फॉर द सेम, एक्सेप्ट करना डिपॉजिट और उन डिपॉजिट को क्या करना, या तो किसी को लोन में दे देना या फिर इन्वेस्टमेंट कर देना। और द अमाउंट डिपॉजिट इज रीपेबल टू द डिपॉजिटर ऑन द डिमांड, और जिन लोगों ने अमाउंट डिपॉजिट कराया है अगर उनको पैसों की जरूरत होती है तो उनको वापस रीपे भी बैंक कर देती है इजीली। तो कैसे, चेक, ड्राफ्ट या फिर किसी भी चीज़ से, ठीक है। वही ऊपर वाली चीज़ों को नीचे दो पॉइंट में लिख दिया। अब ये डिफरेंट डिफरेंट ऑथर है। अब बैंकर इज अ वन हु इज ऑर्डिनरली अ कोर्स ऑफ बिजनेस ऑनर्स। बैंकर कौन होता है कि जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑनर्स, चेक्स ड्रॉन अपॉन हिम बाय द पर्सन फ्रॉम फॉर हुम ही रिसीव्स द मनी। किसी को पैसे देने हैं, उसने चेक बना के आपके नाम पे दे दिया, आप बैंक का पार्ट हो सॉरी आप बैंक का पार्ट हो, आपने बैंक में जाके उस चेक को डाला और बैंकर ने क्या करा, उस चेक को प्रोसेस करा। बैंकर मैं हूँ, मैं क्या करूँगी, आपका चेक लूँगी और जिस जिसको पैसे देने थे उसके खाते से काट के आपके खाते में डालने का काम करूँगी। इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स 1891, द बैंकर इंक्लूड्स एनी पर्सन एक्टिंग एज अ बैंकर एंड एंड एनी पोस्ट ऑफिसर सेविंग्स बैंक। मतलब कि बैंकर वो सारे लोग हैं जो भी एक बैंकिंग से रिलेटेड कोई सर्विस कर रहे हैं। फ्रॉम द डेफिनेशंस वी हैव डिराइव द मीनिंग ऑफ द बैंकर। बैंकर कौन है, जो एक्सेप्ट कर रहा है डिपॉजिट, जो दे रहा है लोन, जो इशू कर रहा है चेक और जो कलेक्ट कर रहा है चेक कस्टमर से, वो सारे बैंकर होते हैं, ठीक है। पब्लिक एम्प्लाइज, अब जो वर्ड पब्लिक है वो कौन है, पब्लिक कौन होती है, जो डिपॉजिट करवाती है, जो बैंक में जाके मनी डिपॉजिट करवाती है और अगर जब जरूरत होती है तो उस डिपॉजिट को वापस ले भी लेती है। तो डिपॉजिट कैसे कराती है, एक बैंक खाता खुलवाती है और उसमें जाके अपने पैसे डाल देती है। डिपॉजिट एंड बोरोइंग द फंड, कस्टमर हैज टू हैव द अकाउंट रिलेशनशिप विद द बैंक। बैंक से कैसा रिलेशनशिप होता है कस्टमर्स का, एक अकाउंट का, अकाउंट रिलेशनशिप, मतलब आप जाके बैंक में खाता खुलवाओगे तो आपका बैंक का एक अकाउंट रिलेशनशिप हो गया जिसमें आप अपने पैसे रख सकते हैं। नो योर कस्टमर, KYC का आपको नॉर्म्स पूरे करने पड़ते हैं। नो योर कस्टमर एक फॉर्म होता है, KYC फॉर्म, जो आपको भरना होता है जिसमें आपकी सारी डिटेल्स होती है कस्टमर की, एकदम सही सही, एकदम कोई भी चीज़ छुपी भी नहीं होती उनसे। KYC के अंदर सारी आप डिटेल भर देते हैं और वो बैंक के पास रिकॉर्ड में रहती है। अब कस्टमर कौन होता है, कस्टमर हर एक वो जो है ना, जो पहले तो देखिए कस्टमर वर्ड आया है कस्टम से, एक वर्ड है कस्टम, कस्टम कस्टम से आया है कस्टमर, विच मीन्स हैबिट और टेंडेंसी टू डू सर्टेन थिंग्स इन अ रेगुलर और पर्टिकुलर मैनर। एक किसी पर्टिकुलर मैनर में आप अगर कोई काम कर रहे हैं तो वो है कस्टम। तो कस्टम से कस्टमर आया है। तो कस्टमर कौन है, इज वन हु हैज एन अकाउंट विद द बैंक, जो वो बंदा जिसका खाता किस में है, बैंक में खुला हुआ है और वो बैंकिंग सर्विसेज को यूटिलाइज कर रहा है, वो है कस्टमर। तो अकाउंट रिलेशनशिप इन दोनों में मेंटेन होती है कस्टमर और बैंकर में के बीच में। तो बैंक ट्रांजेक्शन करने हो तो क्या करते हैं, कस्टमर आता है बैंक में, बैंक से ट्रांजेक्शन करके चल जाता है, अपने खुद के अकाउंट से पैसे निकालवाने हैं, किसी और को देने हैं, तो वो सब चीज़ें बैंक करती है। However, in many persons who do not utilize the services of the bank but do not maintain any account of the bank, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका अकाउंट नहीं होता बैंक में लेकिन वो बहुत सारी बैंकिंग सर्विसेज अवेल कर रहे हैं, तो ऐसा भी होता है। एग्जिस्टिंग कस्टमर, अब देखते हैं, दे आर एग्जिस्टिंग कस्टमर, फॉर्मर कस्टमर्स, कस्टमर्स फॉर द सर्विस लाइक डिमांड ड्राफ्ट, परचेज चेक, एनकैशमेंट एक्सेट्रा, एंड पोटेंशियल कस्टमर्स जो चाहते हैं करना। ये सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके जरूर नहीं खाता हो लेकिन फिर भी आपके बैंकिंग सर्विसेज अवेल करने में आते ही हैं ये बैंक के साथ। तो कस्टमर्स हैव टू डिपॉजिट सम अमाउंट इन द इनिशियल डिपॉजिट, बैंक ओपन करने के लिए कुछ अमाउंट आपको डालना पड़ता है अपने खाते के अंदर।
आरबीआई के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग नो फ्रिल अकाउंट इज अलाउड बाय द बैंक विदाउट डिपॉजिट ऑफ द मनी, मतलब जीरो बैलेंस पे आप कोई भी खाता नहीं खोल सकते, एक्सेप्ट सैलरी अकाउंट खुलते हैं जीरो बैलेंस पे, लेकिन वो कंपनी खुलवाती है। अगर आप खुद जाके बैंक में जाएंगे तो आप जीरो बैलेंस पे अकाउंट नहीं खोल सकते, कुछ ना कुछ आपको डालना पड़ेगा, 500,000 रुपये से स्टार्टिंग करना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन द पॉलिसी ऑफ द बैंक। जैसे SBI में 5,000 है, PNB में 2,000 है, और सॉरी 1,000 है, ऐसे ऐसे करके कहीं किसी में 500 है, तो आपको डिपेंडिंग ऑन द बैंक आपको कुछ अमाउंट डिपॉजिट कराना ही पड़ेगा। और आपको जितने भी नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स है डॉक्यूमेंट की, जैसे आधार कार्ड वगैरह, तो वो सब आपको डिपॉजिट करवाना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ ओपनिंग द बैंक अकाउंट। तो रिलेशनशिप कैसी है, अकाउंट रिलेशनशिप अभी बोल रहा है कि इन द पास्ट कस्टमर हैव डू ट्रांजेक्शंस ओनली विद द बैंक, बट ना आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कोर बैंकिंग सॉल्यूशन कंप्यूटर, जैसे ही डिजिटलाइजेशन हुआ, पहले सिर्फ और सिर्फ जमा कराना और पैसे निकालने का ही रिलेशनशिप था, लेकिन जब से डिजिटलाइज हुआ है हमारा सारा काम, तो कस्टमर किसी भी ब्रांच में कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं अपना अकाउंट। कस्टमर टू अ ब्रांच इज कन्वर्टेड इन टू कस्टमर टू अ बैंक, मतलब कि आप पहले क्या करते थे, एक ब्रांच पे जाके हम सिर्फ लेने और मतलब जमा कराने और निकालने का काम करते थे, लेकिन अब हम किसी भी बैंक के हम बैंक के किसी भी ब्रांच में जा सकते हैं, जरूरी नहीं वो ब्रांच में ही जाएं जहाँ पे हमने अकाउंट खुलवाया है, और हम सारी बैंकिंग सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप कैसी है, एक तो जनरल रिलेशनशिप, एक स्पेसिफिक स्पेशल रिलेशनशिप। तो जो जनरल देखते हैं, अब आगे क्या दे रखा है कि बैंकिंग एक्ट के अकॉर्डिंग बैंक्स बिजनेस टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना ताकि आप पैसा दे सको। द रिलेशनशिप एमर्जिंग फॉर दीज टू मेंटेन द एक्टिविटीज कॉल्ड जनरल रिलेशनशिप, ये है जनरल रिलेशनशिप मेंटेन करना। द बैंकर अंडरटेक्स एक्टिविटीज ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर्स टू प्रोवाइड देम दिस सर्विसेज, बैंक बहुत सारे से काम करती है ये सर्विसेज को, बहुत सारी सर्विसेज देती है ताकि रिलेशनशिप मेंटेन रहे, जनरल स्पेशल रिलेशनशिप भी मेंटेन रहे और स्पेशल रिलेशनशिप भी मेंटेन रहे। जनरल रिलेशनशिप क्या होता है, डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप। डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप, जैसे आपने बैंक खाता खोला, ओपनिंग अ बैंक अकाउंट, कस्टमर फिल एंड साइन द अकाउंट, कस्टमर क्या करता है, फिल करता है, साइन करता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है कि हाँ मैंने ये अमाउंट पूरा पेपर में साइन करके प्रॉपरली खुलता है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है दोनों के बीच में कि हाँ इसने हमारे पास में डिपॉजिट कराया है मनी और हमारे बीच में रिलेशनशिप है डेटर और क्रेडिटर की, जो भी अमाउंट डिपॉजिट होगा हमारे पास वो हम आपको सेफली रखेंगे, और फिर जो आप हमारे कस्टमर हैं, ठीक है आप हमारे कस्टमर हैं, आप किसी भी पर्पस को से आप हमारे पास आ सकते हैं, आपको कोई सी भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमारे पास आ सकते हैं, तो और आपको कोई भी सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं है इसके बदले में। हाउएवर व्हेन इट इज़ डिमांडेड बाय द डिपॉजिट्स द बैंक हैज़ टू पे, मतलब कि लेकिन अगर बैंक को कहीं से डिमांड हुआ है तो बैंक को पे करना ही पड़ेगा हमें। थस द बैंकर इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल डेटर्स, तो जो बैंकर होते हैं वो नॉर्मल डेटर से कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं, डेटर मतलब कि जिनको हमारे को रीपे करने होते हैं डेट्स, और बैंकर हम बैंकर को हमें रीपे नहीं करने पड़ते, अगर हम लोन लेते हैं तो उस पर इंटरेस्ट ले लेगा वो, डिसाइडेड बाय द क्रेडिटर, बट द बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप द इंटरेस्ट इज डिसाइडेड बाय द बैंकर हु एज अ डेटर पेज इंटरेस्ट वंस इन अ सिक्स मंथ ऑन द डिपॉजिट्स, मतलब कि पूरे हर छः महीने में एक बार आपको इंटरेस्ट पे करना है, आपके बीच में डेटर क्रेडिटर का रिलेशनशिप बन गया है। द बैंक नीड टू पे द डिपॉजिट अमाउंट टू द कस्टमर्स व्हेन द डिमांड, मतलब कि अगर आपने जो पैसा जमा कराया है वो आपको चाहिए तो आपको बैंक से डिमांड करना पड़ेगा और बैंक को पे करना पड़ेगा, आपको पैसा जमा है तो बैंक क्या करेगी, इंटरेस्ट डिमांड करेगी और आपको पे करना पड़ेगा, तो कभी आप डेटर हो कभी वो डेटर है, कभी आप क्रेडिटर हो और कभी वो क्रेडिटर है, तो ये क्रेडिटर डेटर का रिलेशनशिप मेंटेन होता है। ATM होते हैं, एनी टाइम मशीन्स, ऑटोमेटिक टेलर मशीन भी जिनको कहा जाता है, वो क्या करती है, आपको पैसा देने का काम करती है, ठीक है, और फिर आपका अकाउंट डिटेल होती है उस कार्ड के अंदर, पासबुक में आप अपनी सारी चीज़ें प्रिंट करवा सकते हैं रिकॉर्ड रखने के लिए, ये छोटी छोटी बातें ही बताई गई है इस क्वेश्चन में। अब देखें क्रेडिटर डेटर रिलेशनशिप में क्या है, और बैंक व्हेन बैंक ग्रांट्स लोन एंड एडवांसेस टू द कस्टमर्स द रिलेशनशिप बिटवीन द बैंकर एंड कस्टमर्स इज दैट ऑफ क्रेडिट एंड डेटर रिलेशनशिप, अगर आपने जैसे पैसा मांगा तो आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, आपने टर्म्स एंड कंडीशन को साइन किया है, आपने सिक्योरिटी रखवाई है, आपने पैसे डिपॉजिट करवाए हैं कुछ सिक्योरिटी के तौर पर, तो कस्टम डेटर्स एक बार तो डेटर अगर आपने पैसा मांग लिया वापस बैंक से तो आप डेटर हो गए, बैंक क्रेडिटर हो गया, लेकिन अगर आप पैसा जमा आप
जमा करा के रख रहे हो और बैंक उस पर इंटरेस्ट दे रहा है और आप इंटरेस्ट मांग रहे हो, इंटरेस्ट नहीं दे रहा बैंक, तो आप क्या है, डेटर है, आप क्रेडिटर हैं और बैंक डेटर है। तो ऐसे करके डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। स्पेशल रिलेशनशिप भी होती है क्या, डिपॉजिट इन एडिशन टू ओपनिंग ऑफ अ डिपॉजिट और अ लोन अकाउंट। डिपॉजिट अकाउंट आपने कोई से भी अकाउंट आपने खुलवाया है तो वैरायटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है आपको, विच मेक्स अ रिलेशनशिप मोर वाइड एंड कॉम्प्लेक्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड। सबसे पहले है बैंकर एज अ ट्रस्टी, ठीक है, मतलब आप बेली, ट्रस्टी, प्रिंसिपल, एजेंट, लेसर, कस्टोडियन, इन सब का काम करते हैं। उन इनमें से अपन देखते हैं कौन कौन सा। पहला ट्रस्टी, ट्रस्टी का काम कैसे होता है। इंडियन ट्रस्ट एक्ट बना हुआ है, एक 1882 में बना था। ट्रस्ट का मतलब क्या होता है, ट्रस्ट का मतलब ये है कि ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी एंड अराइजिंग ऑफ द कॉन्फिडेंस रिस्पॉन्ड इन एंड एक्सेप्टेड बाय द ओनर और डिक्लेयर एंड एक्सेप्टेड बाय हिम फॉर द बेनिफिट ऑफ द अनादर और अनादर और द ओनर। मतलब कि आपने क्या करा है, ट्रस्ट करा है किस पे, बैंक, बैंक पे ट्रस्ट करके आपको कॉन्फिडेंस है कि वो हमारे डिपॉजिट को एक्सेप्ट करेगा और हमें, हम ओनर हैं उस अकाउंट होल्डर के और हमारी प्रॉपर्टी को सिक्योर करके अपने पास रखेगा। इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 में बना है। अ ट्रस्टी इज बाउंड टू डील विद द ट्रस्ट प्रॉपर्टी एज केयरफुली एज अ मैन ऑफ ऑर्डनरी प्रूडेंस वुड डील विद द विद सच प्रॉपर्टी इफ देयर इज इफ इट इट वर इज ओन एंड इन द एब्सेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी द ट्रस्टी सो डीलिंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। अगर कोई, अगर वो खुद ओनर है तो वो लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, अगर वो खुद ओनर नहीं है तो वो लॉस लॉस रिस्ट्रिक्शन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होगा। तो ट्रस्ट प्रॉपर्टी रिलेशनशिप भी अलग होती है। इन केस द कस्टमर इंटरेस्ट वैल्यू आइटम्स विद द बैंक विद एन इंटेंशन ऑफ सच आइटम्स दैट वुड बी रिटर्न ऑन द डिमांड। हमने क्या करा कि बैंक के पास ट्रस्ट करके वैल्यूएबल आइटम्स लगा दिए, रखवा दिए, तो हम क्या कर रहे हैं कि ट्रस्ट डिमांड कर रहे हैं सामने वाले से कि आपका, आपको जो भी आपने वैल्यूएबल थिंग्स रखवाई है बैंक के पास, वो आपकी सेफ रहेगी। तो आपका ट्रस्टी एंड ट्रस्टियर का रिलेशनशिप बन चुका है। तो वैल्यूज ऑफ द सिक्योरिटीज ऑफ द बैंक आर सेफ कीपिंग, मतलब आप सेफ कीप कर सकते हैं लॉकर्स में। बैंकर एज अ बेली, बेली बैंकर जैसे बेली एक्ट करता है कि बेलमेंट क्या होता है। बेलमेंट का मतलब होता है डिलीवरी ऑफ द गुड बाय वन पर्सन टू द अनादर फॉर द सेम पर्पस अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ दैट दे शैल व्हेन पर्पस ऑफ द एकम्प्लिशमेंट दे बी रिटर्न। बेलमेंट क्या होता है, जैसे मैंने आपको एक पेन दिया, सपोज एक छोटा सा एग्जाम्पल, मैंने आपको पेन दिया, आपका एग्जाम हो गया, आपने मुझे पेन रिटर्न कर दिया, तो ये होता है बेलमेंट प्रोसेस। आपने क्या करा, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को आपने गुड्स ट्रांसफर करे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, और जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ आपने वापस से उस गुड्स को रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो द पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स इज कॉल्ड अ बेलर, जो जो दे रहा है वो बेलर है, जिसको दे रहा है वो बेली कहलाता है। तो बैंक सिक्योर कस्टमर एडवांसेस बाय ऑब्टेनिंग द टेंजेबल सिक्योरिटीज। हम मैंने टेंजेबल सिक्योरिटीज बैंक के पास रखवा दी, आई एम अ बेलर एंड ही इज अ बेली। इन द फिजिकल पोजेशन ऑफ द सिक्योरिटीज, जो प्लेज होता है फिजिकल पोजेशन ऑफ द सिक्योरिटीज अगर है, वैल्यूएबल बॉन्ड्स है, व्हाइल टेकिंग द फिजिकल पोजेशन ऑफ द सिक्योरिटीज द रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर बिकम द बेली एंड बेलर। फिजिकल पोजेशन होना चाहिए, जैसे ये नहीं कि आपका, आपने अकाउंट में पैसे लगाए तो डिजिटली नहीं होना चाहिए, फिजिकल होना चाहिए कि जैसे मैंने मेरे पेपर्स जाके बैंक को दे दिए, मैंने मेरा गोल्ड जाके बैंक को दे दिया, तो फिजिकल रिलेशनशिप दोनों में है, फिजिकली गुड्स हमारे को दिखते हैं, तो बेलर बेली का रिलेशन हो गया। लेजर का कैसे होगा, बैंकर बैंकर एज अ लेजर, लेजर लेजी, ये सब कौन होते हैं। ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी में है लीज, लेजर, लेजी, प्रीमियम एंड रेंट। अभी क्या चीज़ें हैं, देखिए इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जैसे लैंड, लैंड क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मैं जाके लैंड रखवा नहीं सकती हूँ बैंक के पास, मैं सिर्फ कागज़ रखवा सकती हूँ। तो जो एक सर्टेन टाइम के लिए क्या होता है, प्राइस पे करी जाती है और प्रॉमिस करी जाती है, और द वैल्यू ऑफ द मनी ऑफ द शेयर ऑफ द क्रॉप सर्विस और एनी अदर थिंग ऑफ द वैल्यू टू बी रेंडर्ड पीरियोडिकली और स्पेसिफाइड ओकेजन टू द ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी हु एक्सेप्ट्स द ट्रांसफर इन सच आइटम्स। अब जो एक्सेप्ट कर रहा है, जो ट्रांसफर कर रहा है वो ट्रांसफरर, जो जो एक्सेप्ट कर रहे हैं वो ट्रांसफरी। तो जो ट्रांसफरर है, जो दे रहा है गुड्स, उसको क्या बोलते हैं, लेजर, लेजर होता है ट्रांसफरर, और जिसको ट्रांसफर की गई है ट्रांसफरी वो होता है लेजी। और जो जो प्राइस पे करी गई है ट्रांसफर करने की गुड्स, उसको बोलते हैं प्रीमियम एंड, और जो मनी, शेयर, सर्विस और अदर थिंग्स जो भी रेंडर किए गए हैं उन सबको बोला जाता है रेंट। ये सब लॉ की टर्म्स आ गई थोड़ी, तो आपको हो सकता है ये बैंकिंग में थोड़ा लॉ से रिलेट करके उन्होंने दे दिया।
अब क्या बोल रहा है कि प्रोवाइडिंग द सेफ डिपॉजिट, जो लॉकर फैसिलिटी वगैरह प्रोवाइड करते हैं वो किस कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे करते हैं? एक एग्रीमेंट होता है मेमोरेंडम ऑफ लेटिंग एंड एन एक्सेस स्टैम्प ड्यूटी। तो मेमोरेंडम ऑफ लेटिंग के अंदर आपको एक लॉकर फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है। तो रिलेशनशिप बिटवीन बैंक एंड कस्टमर इज ऑफ लेजर एंड लेजी हो गया, ट्रांसफर ट्रांसफर ही हो गया, बेलर बेली हो गया, मतलब हर डिपॉजिटर डिपॉजिट मतलब गिवर एंड टेकर का सबके रिलेशनशिप होते हैं। तो ये अलग अलग तरीके से समझा रखा है। आप क्या करते हैं कि बैंक में जाते हैं, आप बैंक में जाते हैं, आप अपना खाता ओपन करते हैं, सॉरी लॉकर ओपन करवाते हैं। लॉकर आपने ओपन करवाया तो जो लॉकर का होल्डर है उसको जाके रेंट देना पड़ता है। उस आपने क्या करा, अपना अपने सामान को जाके लॉकर में रखा तो लॉकर खुलवाना पड़ा, अपने सामान रखा तो आप बैंक को अपना सामान दे रहे हैं, तो आप बेलर हैं, वो बेली है जो ले रहा है सामान। और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा आपका लॉकर का, तो आपके आपको वापस अपना सारा सामान रिटर्न कर दिया जाएगा, बैंक कुछ भी नहीं रखेगी उसका। और उसके बदले में उस आपको लॉकर लेने के बदले में आपको क्या पे करना पड़ रहा है, रेंट एनुअली। कोई भी डैमेज होगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक की। बैंकर एज एन एजेंट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एजेंट कौन होता है? अब एजेंट कस्टमर की रिलेशनशिप बताएगा। ये एजेंट इज अ पर्सन हु एम्प्लॉयड टू डू एनीथिंग अदर देन द रिप्रेजेंट द अनादर इन डीलिंग विद द थर्ड पर्सन। जो एजेंट होता है जो तीसरे तीसरे इंसान से करता है, एक प्रिंसिपल होता है, एक एजेंट होता है। एजेंट मतलब थर्ड पर्सन। थस द एजेंट इज अ पर्सन हु एक्ट फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। आज मैंने एक एजेंट रखा कि मेरा शेयर मार्केटिंग का काम करे, तो मेरे और शेयर मार्केटिंग के बीच में थर्ड पर्सन है एजेंट। एजेंट किसके शेयरों पे चलेगा? मेरे प्रिंसिपल। तो एजेंट और प्रिंसिपल, एजेंट किसका किसके बिहाफ पे चलता है? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप होता है। जितने भी रेंट के, और जैसे मैंने बोला बैंकों की आप जितने भी मेरे खर्चे हैं, रेंट है, टेलीफोन बिल, इंश्योरेंस प्रीमियम, सब मेरे मेरे बिहाफ पे कर दो। अगर कोई चीज़ रिसीव करनी है तो सब मेरे बिहाफ पे रिसीव कर लो। आप एक्स्ट्रा चार्जेस ले लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, तो ये क्या है, आप थर्ड पार्टी से अपना काम करवा रहे हैं। आप बैंक को एज एन एजेंट बना के, आप जो मेरा और मेरे को किसी को रेंट देना है तो बैंक मेरा रेंट पे कर रही है, तो वो मेरा एजेंट का काम कर रही है। तो मेरे इशारों पे बैंक ने क्या करा, सामने वाले को पेमेंट कर दिया। तो कस्टमर एंड प्रिंसिपल एंड एजेंट का भी है रोल। अब क्या करता है, एजेंट जो है वो कस्टमर से अपनी सर्विसेज का चार्ज लेता है। अगर आपने बैंक पे सारा खर्चा डाल दिया, सारा डाल दिया कि मेरे बिल टाइमली पे करना, मेरे रेंट ले लेना, मेरे सारे खर्चे आपको पे करने हैं, और आपको जितने भी इंटरेस्ट रिसीव हो रहे हैं, डिविडेंड रिसीव हो रहे हैं या पे करने हैं, वो सब आप करोगे, तो मैं क्या करूँगी, बैंक को चार्जेस दूंगी ये सारी सर्विसेज अवेल करने का। ठीक है, चार्ज आर लिविड इन ओनली वेन द चेक इज रिटर्न इन द क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस इज, और अगर जैसे चेक आपने डाला वो क्या हुआ, क्लियरिंग हाउस में गया और ना वो चेक रिटर्न हो गया, जैसे कि आप चेक डिसऑनर हो गया, तो क्या करेगा, क्लियरिंग हाउस चार्ज करेगा उसका। फिर बैंकर एज अ कस्टोडियन, अब दो बचे बस, बैंकर एज अ कस्टोडियन। कस्टोडियन कैसे हैं, डीमैट अकाउंट आप खुलवाते हैं बैंक में तो वो कस्टडी लेता है आपकी कि हाँ हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। डीमैट अकाउंट आपने खुलवाया और आप शेयर की ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कस्टोडियन सर्विसेज भी आप ले रहे हैं। बैंकर एज एन गारंटियर, गारंटियर कैसे होगा वो, कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है दोनों के बीच में। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, टू डू और टू डू नॉट डू समथिंग, मतलब कि या तो करोगे या फिर कुछ भी नहीं करोगे। तो टू टू डू मतलब जो करना है, और नॉट टू डू समथिंग वो होता है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। समटाइम्स अ कोलेटरल ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट डज एंड डज नॉट हैपन। अब इसमें कोलेटरल नहीं होता कई बार, और कई बार होता भी है, तो गारंटियर का भी काम करता है। अब क्या है, लीगल रिलेशनशिप बिटवीन, क्या अब लीगल रिलेशनशिप कैसी है, ये तो देखिए हमने वैसे नॉर्मल जो नॉर्मल रिलेशनशिप होती है। अब लीगल टर्म्स में बैंक के रिलेशनशिप क्या है, ये सब तो ऐसे दे रखा है, यहाँ से देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट से देखते हैं। ड्यूटीज ऑफ बैंक्स क्या क्या है, द ड्यूटीज ऑफ द बैंक इज ऑफ द कस्टमर इंक्लूड, पहला है ड्यूटी टू ऑनर द चेक। ऑनर द चेक मतलब कि बैंकिंग मीन्स एक्सेप्टिंग द एक्सेप्टिंग चेक। अगर बैंकिंग का मतलब क्या है, आप सामने वाले का पैसा एक्सेप्ट कर रहे हो, वो चेक की फॉर्म में हो सकता है, ड्राफ्ट के फॉर्म में भी हो सकता है, तो आपने क्या करा, सामने वाले से चेक एक्सेप्ट करा, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है चेक। ड्रॉई ऑफ द चेक जो है उसकी लाइबिलिटी होती है, जो जिसने ड्रॉ किया है उसकी लाइबिलिटी होती है टू पे द अमाउंट। तो जो जो ड्रॉ ही है जिसने चेक बना कर दिया है, उसके अकाउंट में सफिशियंट पैसा होना चाहिए
ताकि बैंक उसका क्लियर कर सके। अगर सफिशियंट पैसा नहीं होगा तो क्या होगा, डिसऑनर हो जाएगा। तो डिफॉल्ट पेमेंट क्या होता है, देखिए ड्रॉअर मतलब कोई भी लॉस होता है, जो भी डैमेज जो भी लॉस होता है ट्रांजेक्शन में, वो बियर करना पड़ता है कस्टमर को। जैसे कि आपने किसी ने चेक बना के दिया, आपने जाके बैंक में डाल दिया चेक, तो बैंक क्या करेगा, प्रोसेस करेगा उस चेक को। प्रोसेस करने के बाद में अगर वो पेमेंट सामने वाले के खाते में पैसा होगा तो आपको पैसा मिल जाएगा, सामने वाले के नहीं होगा तो डिसऑनर हो जाएगा। डिसऑनर की चार्जेस आप दोनों से लेगा, मतलब जिसने बनाया है और जिसके लिए बनाया है। तो मेरे को तो फालतू नुकसान झेलना पड़ गया, तो ये सब है। आगे देखते हैं। चेक हैज बीन प्रॉपरली ड्रॉन, इसलिए क्या करना चाहिए, चेक प्रॉपरली ड्रॉ करना चाहिए। डेट अमाउंट सब चीज़ें ढंग से एक्सप्रेस करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने डेट गलत लिख दी, ओवर राइटिंग कर दी, अमाउंट गलत लिख दिया, इन वर्ड्स गलत लिख दिया, तो आपका चेक डिसऑनर हो जाएगा, या फिर आपके पैसे नहीं है तो डिसऑनर हो जाएगा। तो चेक शुड बी ड्रॉन इन द ब्रांच वेयर द जहाँ पे आपका अकाउंट मेंटेन होता है, जो आपका मेन बैंक अकाउंट है वहाँ पे ड्रॉ करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन आजकल क्या है कि आप किसी भी ब्रांच में जा सकते हैं। जो विद इन द सिटी चेक होते हैं वो सेम डे क्लियर होते हैं, जो विद इन द सेम बैंक और विद इन द सेम बैंक होते हैं वो जल्दी क्लियर होते हैं, और अदर बैंक के चेक नेक्स्ट डे क्लियर होते हैं। देयर इज अ सफिशियंट बैलेंस इन द अकाउंट, सफिशियंट बैलेंस होना चाहिए अकाउंट का पेमेंट करने के लिए चेक का। फिर ये बोल रहा है जो चेक है वो रिप्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट ऑन द वर्किंग डे एंड ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स ऑफ द ब्रांच, और चेक जो रिप्रेजेंट होना चाहिए वो वर्किंग डे पर होना चाहिए, बिजनेस आवर्स पर होना चाहिए। एंडोर्समेंट ऑफ द चेक भी रेगुलर पार्टी है, और द पेमेंट ऑफ द चेक इज नॉट काउंटर मैंडेटेड बाय द ड्रॉवर, तो मतलब पेमेंट ऑफ द चेक इज नॉट काउंटर मैंडेटेड। ड्यूटी ऑफ द बैंकर टू ऑनर अ चेक सीजेस, अब चेक सीज हो गया तो क्या होगा, बैंकर की ड्यूटी की स्टॉप करना पेमेंट को, पेमेंट नहीं करना, नोटिस करना कि किसी जिसने बनाया उसकी डेथ तो नहीं हो गई, और अ गार्निशी ऑर्डर अटैचिंग द बैलेंस इन द अकाउंट और एन इनकम टैक्स अटैचमेंट अदर रिसीव्ड बाय द बैंकर, मतलब कि ये देखना कि जो दूसरे दूसरे लोगों से पैसा आया है, जो इनकम टैक्स में दिखाया गया है, वो सही है कि नहीं। ड्रॉअर ऑफ द चेक बिकमिंग इंसॉल्वेंट, अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया, उसको उसने हाथ खड़े कर दिया, हमें मेरे पास पैसा नहीं है, तो फिर क्या करना है उसका, वो देखना। तो बैंकर कैन रिफ्यूज टू ऑनर द चेक, बैंकर रिफ्यूज कर सकता है आपका चेक क्लियर करने से। तो सफिशियंट बैलेंस नहीं होने पर चेक अगर आपका अकाउंट से ड्रॉ करा है और वो अकाउंट क्या बोलते हैं ढंग से मेंटेन नहीं हो रखा है, या फिर उसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन की कमी है, या फिर वो पोस्ट डेटेड है, वो स्टेल है, मतलब कि खराब हो चुका, पुराना हो चुका है, काउंटर मैंडेटेड है, मतलब कि जो इंसान आएगा वही लेगा, काउंटर मैंडेटेड वर्ड्स आपने ढंग से नहीं लिखे, फिगर ढंग से नहीं लिखे, डेट ढंग से नहीं लिखी, तो इन सब केसेस में आपको बैंक क्या कर सकता है, आपका पेमेंट रोक सकता है। अब आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ड्यूटी टू मेंटेन द सीक्रेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। अब क्या है सीक्रेट्स मेंटेन करने का, और कॉन्फिडेंशियल आपकी इन्फॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखने का काम भी क्या करता है, बैंक ही करता है। ऑब्वियसली आपकी जो भी आपने अकाउंट खोला, आपने सारी डिटेल डाली, आपने पैसे जमा कराए, तो आप बैंक क्या है लीगली बाउंड हो गया ताकि आपको पूरी सेफ्टी प्रोवाइड कराएं। तो द प्रिंसिपल बिहाइंड द ड्यूटी ऑफ द डिस्क्लोजर अबाउट द डीलिंग्स ऑफ द कस्टमर टू एनी ऑथराइज पर्सन मे हार्म एंड रेपुटेशन ऑफ द कस्टमर मे बी, अब कोई भी तीसरा पर्सन है, अनऑथराइज पर्सन है, उसको उसको अलाउ नहीं होगा कि आपके कोई भी बैंक अकाउंट से ट्रांजेक्शन करे, या कोई भी आपका आपके अकाउंट से रिलेटेड वो कुछ भी काम करे, वो अलाउड नहीं होगा। तो ये पूरा पूरा ध्यान कौन रखता है, बैंक रखती है। एवरी करस्पॉन्डिंग न्यू बैंक शैल ऑब्जर्व एक्सेप्ट एज अदरवाइज रिक्वायर्ड बाय द लॉ द प्रैक्टिस एंड यूज कस्टमरी अमंग द बैंकर्स, एंड पर्टिकुलरली इट शेल नॉट बी डिवल्ज एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द अफेयर्स एंड कॉन्स्टिट्यूएंसीज एक्सेप्ट इन सर्कमस्टेंसेस इन विच द अकॉर्डेंस विद द लॉ, मतलब इसका मतलब ये है, इस पूरे पैराग्राफ ये लॉ वाली लैंग्वेज दिख रखी है, टिपिकल लॉ वाली लैंग्वेज। इसका मतलब ये है कि आप बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपका अगर इन्फॉर्मेशन अकाउंट की इन्फॉर्मेशन है तो वो किसी को नहीं देना, कोई थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन आए तो इन्फॉर्मेशन लेना है तो आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कराना, जो लॉज और प्रैक्टिसेस बने हुए हैं उनको फॉलो करना, और जो थर्ड पर्सन है उसको कब बतानी है इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ डेथ तो आपके जो नॉमिनी है उसको इन्फॉर्मेशन दे देगा बैंक सारी। तो ऐसे कुछ कुछ केस है जहाँ पे थर्ड पार्टी को इन्फॉर्मेशन करने के लिए अवेल कर सकती है, लेकिन
अदरवाइज थर्ड पार्टी को अलाउ नहीं होता कि कोई भी आपकी कोई सी भी चीज हो, चाहे एटीएम हो, चाहे आईडी हो, चाहे वो बैंक अकाउंट हो, ट्रांजेक्शन हो, कुछ भी नहीं मेंटेन आपका कोई और मेंटेन कर सकता है। आपके खुद के अलावा किसी को भी हक नहीं होता कि कोई आपका करे। फेलियर इन मेन सीक्रेसी, फेलियर टू मेन सीक्रेसी क्या है, ये मेक्स द बैंक लाइबल टू पे द डैमेजेस टू द अकाउंट होल्डर फॉर द लॉस ऑफ द मनी एंड रेपुटेशन इफ इट फेल्स टू इन इट्स ड्यूटी टू मेंटेन द सीक्रेसी। अगर आप बैंक ने सीक्रेसी नहीं बना बरकरार रखी और आपकी इंफॉर्मेशन किसी थर्ड पर्सन को डिस्क्लोज कर दी, तो आप उन पर हैवी पेनल्टी लगा सकते हैं और बैंक को, बैंक इज लाइबल फॉर टू यू टू पे द डैमेजेस। सर्कमस्टांसेस अंडर विच बैंकर कैन डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन टू द कस्टमर्स अकाउंट, आप कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जहाँ पे आपका इन्फॉर्मेशन आपको दी जा सकती है। अंडर द कंपल्सरी ऑफ लॉ, लॉ लॉ में अगर लिखा हुआ है, अभी देखिए कितने सारे एक्ट के नाम दे रखे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर बुक एविडेंस एक्ट है, इसमें बहुत इतने सारे लॉज के नाम दे रखे हैं, ये जितने भी लॉज के नाम दे रखे हैं इन सब लॉज में कोई ना कोई पॉइंट लिखा हुआ है कि कौन से केस में आप थर्ड पर्सन को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। ठीक है, अंडरटेकिंग प्रैक्टिसेस, अंडर बैंकिंग प्रैक्टिसेस में क्या है, इन ऑर्डर टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजिशन एंड द क्रेडिट वर्थिनेस ऑफ द पर्सन, बैंक ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द अदर बैंक, दूसरे बैंक से भी आपकी बैंक की इन्फॉर्मेशन निकाल जाती है कि इस नाम का खाता है आपके अकाउंट में है क्या, इस ये कस्टमर कैसा है, डिफॉल्टर तो नहीं है, तो आपके दूसरे बैंक से भी इन्फॉर्मेशन निकाल जाती है कि ये इस बंदे का कहाँ कहाँ और अकाउंट है। तो ओपिनियन इज गिवन टू द स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंस विदाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पार्ट ऑफ द बैंकिंग फर्निशिंग सच इन्फॉर्मेशन। तो ये ऐसी इन्फॉर्मेशन बहुत कंसर्न ऑफ द कस्टमर से ही दी जाती है। और फॉर क्रेडिट इन्फॉर्मेशन इज फर्निश्ड इन कोडेड टर्म्स टू द बैंक्स ऑन आईबीए फॉर्मेट एंड विदाउट सिग्नेचर्स, आईबीए फॉर्मेट में दी जाती है और सिग्नेचर्स नहीं लगाए जाते, फॉर प्रोटेक्टिंग द नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और बैंकर्स ओन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, खुद का बैंक बैंक का खुद का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए, और एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड कंसेंट ऑफ द कस्टमर्स। तो हर चीज़ भी नहीं बताई जाती, लेकिन हाँ कई चीज़ें बता सकती है बैंक इंटर बैंक की नॉलेज में। ठीक है, आप देखते हैं आगे, ड्यूटी टू प्रोवाइड द प्रॉपर अकाउंट, बैंक की क्या ड्यूटी है कि आपका अकाउंट प्रॉपरली हो, प्रॉपरली मेंटेन हो, सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुए भी होने चाहिए, आपकी पासबुक अपडेट होनी चाहिए, सारी ड्यूटी है बैंक की। ड्यूटी टू कैरी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन मतलब कि इंटरेस्ट है, ट्रांसफर ऑफ द फंड है, जो बिना बोले आपके पास आ जाता है, तो ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस भी फॉलो करता है बैंक। ड्यूटी टू प्रोवाइड द प्रॉपर सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम भी कौन करता है, बैंक करता है, कि आपके जितने अकाउंट से रिलेटेड है, रिलेटेड सर्विसेज है, वो आपको प्रॉपरली मिल रही है कि नहीं। तो राइट ऑफ द बैंकर क्या होता है, अब बैंकर के राइट क्या है, राइट ऑफ लेन, अब राइट ऑफ लेन मतलब कि ये भी पूरा लॉ का टर्म है, अ लीन इज अ राइट ऑफ अ पर्टिकुलर क्रेडिटर इन पोजेशन ऑफ द गुड सिक्योरिटीज एंड अदर असेट्स बिलोंगिंग टू द डेटर टू रिटेन देम अंटिल द डेट इज रीपेड, मतलब कि जब तक आपका डेट रीपे नहीं होता तब तक उस असेट को आप क्या करते हैं, रिटेन करते हैं। राइट ऑफ राइट टू लीन मतलब आपका जब्त करने का अधिकार है, प्रोवाइडेड दैट देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस और एम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो आप राइट टू लीन का फायदा उठा सकते हैं। तो राइट टू रिटेन पोजेशन ऑफ द स्पेसिफिक गुड, आपने क्या करा कि किसी भी गुड या सिक्योरिटीज का या फिर किसी मूवेबल उसका आपने क्या करा, राइट अपने पास रख लिया, कि बैंक ने क्या करा आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करके रख लिया कि जब तक आप मेरा ये काम नहीं करते थे, जब तक आप हमारे डेट्स पे नहीं करते थे, या फिर आप कुछ भी ऐसा काम जो सामने वाला नहीं कर रहा, तो आप बैंक के पास राइट टू लीन होता है। पर्टिकुलर और जनरल दो तरह के लीन होते हैं। पर्टिकुलर लेन गिव्स अ राइट्स टू रिटेन पोजेशन ओनली, पोजेशन मतलब कि सिर्फ और सिर्फ आपकी पोजेशन आएगी, और इन रेस्पेक्ट टू विच द ड्यूज हैव बीन अराइजन। ऑर्डनरी लेन में ये ऑर्डनरी लेन में भी आता है, और जनरल लेन में क्या आता है, राइट ऑफ जनरल लेन अगेंस्ट द बोरोअर, जनरल लेन रेफर्स कॉन्फर्स बैंक राइट्स टू इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल ड्यूज एंड नॉट फॉर अ पर्टिकुलर ड्यू, सारे ड्यूज के लिए है तो वो जनरल लेन है, और किसी पर्टिकुलर चीज का पोजेशन अगर आपके पास है तो वो है ऑर्डनरी लेन। इट इज स्टेटरी राइट ऑफ द बैंक एंड अवेलेबल इवन इन द एब्सेंस ऑफ द एग्रीमेंट, अगर ये नॉर्मल है कि जरूरी नहीं एग्रीमेंट में लिखा हुआ होगा, ये जनरल लेन एंड ऑर्डनरी लेन, ये सब चीज़ें राइट ऑब्टेन कर सकती है बैंक बिना बोले। तो ये चीज़ वापस रिपीट हो रही है इस साइड में। तो
तो बैंकर्स फैक्टर अटॉर्नीज ऑफ द हाई कोर्ट एंड द पॉलिसी ब्रोकर्स में इन एबसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी रिटेन एज द सिक्योरिटी फॉर द जनरल बैलेंस ऑफ द अकाउंट एंड द गुड्स बेल्ड टू देम. जो भी गुड्स आपने दिए हैं वो रिटर्न नहीं करे हैं, या फिर ऐसी चीज़ें जो सिक्योरिटीज है जिनका बैलेंस आप रीपे नहीं कर रहे हैं, या फिर गुड्स आपने दिए हैं पर आपको वापस नहीं दिए गए हैं, तो ऐसी चीज़ों में आपका क्या करते हैं बैंक क्या करती है, आपको जब्त कर लेती है सिक्योरिटीज़ को, या जो भी चीज़ आपने गिरवी रखाई है उस चीज़ को जब्त कर लेती है, पोजेशन ले लेती है अपने पास. बैंक हैज़ द राइट टू लेन ओनली व्हेन द गुड सिक्योरिटीज आर रिसीव्ड इन कैपेसिटी एज अ क्रेडिटर. आप अगर क्रेडिटर हो तभी आपका जब्त करेगा क्योंकि आप पैसा नहीं दे रहे हो. दीज डॉक्यूमेंट्स कॉन्फर्स राइट्स टू कन्वर्ट जनरल लीन एज एन एम्प्लाइड प्लेज. अ बैंकर लीन, अब जो बैंकर लीन होता है इज मोर देन द जनरल लीन होता है. क्यों? क्योंकि एम्प्लाइड प्लेज होती है इसमें कि उनके पास ये राइट है कि आप इस गुड्स को सेल करेंगे. अभी तक पोजेशन ही आप सेल करके कमाई नहीं कर सकते, तो राइट टू सेल का अगर आपके पास ऑप्शन होता है बैंक के पास तभी वो सेल कर सकते हैं, अदरवाइज सिर्फ पोजेशन में आता है, वो उसको उससे बेच के अपना खुद का फायदा नहीं देख सकता. तो आगे देखते हैं, बैंक जो होता है राइट टू लेन ऑन द गुड्स एंड सिक्योरिटीज एंट्रस्टेड टू हिम लीगली एंड स्टैंडिंग इन द सेम नेम ऑफ द बोरोवर. सेम नेम ऑफ द बोरोवर होता है जो बैंक करता है एक्सरसाइज राइट ऑन लीन ऑफ सिक्योरिटीज पे, तो वो उसका पोजेशन लेता है अपने पास जब तक कि राइट टू सेल का ऑप्शन ना है तब तक किसे पोजेशन रखता है अपने पास. तो राइट ऑफ लीन कैन बी एक्सरसाइज ऑन कोई भी हो सकता है, बिल, चेक, प्रॉमिसरी नोट, किसी भी चीज़ पर राइट टू लीन का उसको हक होता है. बैंक कैन नॉट एक्सरसाइज राइट ऑफ लीन ऑन द गुड्स रिसीव फॉर द कस्टडी. कस्टडी से कोई गुड आए हैं या फिर ट्रस्टी के यहाँ से कुछ गुड्स आए हैं, एजेंट से कोई कहीं गुड्स आए हैं, या फिर बैंक की मिस्टेक हो गई है, उस केस में राइट ऑफ लीन नहीं काम आएगा. राइट ऑफ सेट ऑफ, नेक्स्ट ईयर राइट ऑफ सेट ऑफ कब करता है बैंकर. एज अ राइट टू सेट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ इट्स कस्टमर, इट इज स्टैट्यूटरी राइट फॉर अवेलेबल टू द बैंक कि वो सेट ऑफ कर सकता है अकाउंट कस्टमर के. द राइट टू सेट ऑफ द एक्सरसाइज ओनली इफ देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सप्रेस. राइट टू सेट ऑफ करने का मतलब कि मेरे अकाउंट से डायरेक्टली बिना बोले मुझसे पैसा काटने का, तो एग्रीमेंट होता है कि राइट टू सेट ऑफ पर अगर वहाँ टिक कर रखा है तब तो बैंक करेगा, नहीं तो आपसे पूछ के ही सेट ऑफ करेगा. कोई भी ड्यू है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको बैंक को पे करना है या फ्यूचर डेब्ट्स हैं आपके, उनको आपको बैंक क्या करता है बिना बोले आपसे पैसा काट लेता है अकाउंट से, लेकिन अगर आपने टिक कर रखा है तभी. तो राइट टू सेट ऑफ एनेबल्स बैंक टू कंबाइन ऑल काइंड ऑफ क्रेडिट, जितने भी क्रेडिट हैं उस सबको आपको सेट ऑफ करने का राइट बैंक अपने पास रख लेता है. कोई सी भी ब्रांच हो, चाहे सेम बैंक में हो चाहे दूसरे बैंक में हो, बैंक हैज अ राइट. द राइट कैन बी एक्सप्रेस आफ्टर डेथ, डेथ के बाद भी हो सकता है, इंसॉल्वेंसी में, डिसॉल्यूशन में, किसी में भी राइट ले सकता है. गार्निश अटैचमेंट ऑर्डर, रिसेप्ट होनी चाहिए बस उसके पास अटैचमेंट ऑर्डर की कि हाँ यहाँ पे राइट मेरे पास है. डिपॉजिट हेल्ड इन द नेम ऑफ द गारंटियर कैन नॉट सेट ऑफ, अगर गारंटियर के नेम पे डिपॉजिट है तो आप सेट ऑफ नहीं कर सकते जब तक कि वो खुद ना बोले. बैंक कैन नॉट सेट ऑफ द क्रेडिट बैलेंस ऑफ द कस्टमर पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का बैलेंस और जॉइंट लोन. अगर जॉइंट लोन लिया है दो जनों ने एक साथ लोन लिया है तो वो पर्सनली पर्सनल अकाउंट से, दो जनों ने लोन लिया है तो इसके अकाउंट से सारा पैसा रिकवर कर दिया, ऐसा नहीं कर सकता. अगर जॉइंट में अगर लोन है तो जॉइंट वाला ही इंसान पे ऑफ करेगा, दोनों मिलकर पे ऑफ करेंगे. ऐसी जगहों पर एक सब काम नहीं करते हैं. अगर देखते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन समटाइम्स द सेट ऑफ टेक्स प्लेस ऑटोमेटिकली विदाउट परमिशन. कहाँ कहाँ परमिशन के बिना सेट ऑफ हो जाता है. अगर डेथ हो गई कस्टमर की तो, अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया तो गार्निश ऑर्डर है तो ऑन रिसिप्ट ऑफ द नोटिस ऑफ असाइनमेंट ऑफ क्रेडिट बैलेंस बाय द कस्टमर, कोई क्रेडिट बैलेंस बचा है तब आप बिना बोले सेट ऑफ कर सकते हैं. और ऑन द रिसिप्ट ऑफ द नोटिस ऑफ सेकेंड चार्ज ऑफ द सिक्योरिटीज ऑलरेडी चार्ज बाय द बैंक. अगर आपने दूसरी बार चार्ज करना है और आप पहली बार चार्ज कर दिया और आपने कहा है कि हाँ ये चार्ज कर सकते हो आप, तब आप कर सकते हो बिना बोले. फॉलोइंग के सेट ऑफ द अकाउंट शुड बी इन द सोल नेम, खुद के नेम पे होना चाहिए अकाउंट. जिसका आप डेट सेट ऑफ कर रहे हो उसी के नाम का ही अकाउंट होना चाहिए, तभी आप सेट ऑफ करोगे. जो डेट है वो मेजरेबल होना चाहिए. एग्रीमेंट, अगर कोई एग्रीमेंट बना हुआ है कि आप नहीं कर सकते तो वो वाले नहीं करेंगे आप. फंड शुड बी नॉट हेल्ड इन द ट्रस्ट अकाउंट, जो फंड्स हैं अकाउंट के वो ट्रस्ट अकाउंट में इन्वेस्टेड नहीं होने चाहिए. राइट कैन नॉट बी एक्सरसाइज इन रिस्पेक्ट टू द फ्यूचर कंटिजेंट डेट, फ्यूचर के डेट आज ही क्लियर करने के लिए आप नहीं कर सकते, पैसा काट सकते कस्टमर के अकाउंट से. और बैंकर क्या कर सकता है, एक्सरसाइज द राइट बिफोर द गार्निश ऑर्डर इज रिसीव बाइड, गार्निश ऑर्डर भी रिसीव करने से पहले ही आप काट सकते हैं पैसा.
राइट ऑफ अप्रोप्रिएशन क्या होता है? ऐसा राइट इट इज अ राइट ऑफ कस्टमर्स टू डायरेक्ट हिज बैंकर एजेंट दैट इज डेब्ट पेमेंट मेड बाय हिम शुड बी अपोर्शन इन सच अ डायरेक्शन गिवन द बैंक कैन एक्सरसाइज द राइट ऑफ अपोर्शनमेंट ऑफ द पेमेंट ऑफ द एनी डेट. आप कोई भी डेट का पेमेंट कर सकते हैं. आगे देखते हैं. इट्स सो लेंदी राइट. अब आगे देखते हैं और कहाँ कहाँ राइट अवेल कर सकता है. एप्लीकेशन ऑफ द पेमेंट वेयर डेब्ट टू बी डिस्चार्ज इज नॉट इंडिकेटेड. ऐसा एप्लीकेशन ऑफ द पेमेंट जहाँ पर जो डेट है वो बताया ही नहीं गया है. जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टेट्स दैट इट इज द डेटर डज नॉट इंटीमेट और देयर इज नो सर्कमस्टांसिस ऑफ इंडिकेटिंग हाउ द पेमेंट इज टू बी यूज द राइट अपोर्शनमेंट इज वेस्टेड ऑन द क्रेडिटर. अगर डेटर ने मना कर दिया तो क्रेडिटर नहीं कर सकता. वेयर द डेटर हैज़ ओमिटेड टू इंटीमेट. डेटर ने बताया ही नहीं, ओमिट हो गया, बताया ही नहीं कि आपका डेट कैसे क्लियर होगा, तब भी आप नहीं कर सकते क्लियर. जब तक कि वो बताएगा नहीं कि मैं डेटर हूँ, ये क्रेडिटर है और आप मेरा ये वाला डेट पर्टिकुलरली इसको पे करोगे, तब तक आपके अकाउंट से पैसे नहीं कटेंगे. कुछ लिमिटेशंस बैंक की भी होती है. एप्लीकेशन ऑफ द पेमेंट वेयर द नाइदर पार्टी अप्रोप्रिएट्स. कोई दोनों ही पार्टी ने नहीं बोला है. वेयर द नाइदर पार्टीज मेक एन अपोर्शनमेंट ऑफ द पेमेंट शैल बी अप्लाइड इन डिस्चार्ज ऑफ द डेट्स इन ऑर्डर ऑफ टाइम. दोनों ही पार्टी ने अगर नहीं किया है तो आप बैंक क्या कर सकती है, खुद से कर सकती है. दे आर नॉट बैरड इन द लॉ ऑफ फोर्स ऑफ द टाइम बींग. एक पर्टिकुलर टाइम निकलने के बाद में बैंक कैन चार्ज द मनी. इफ द डेट्स आर एन इक्वल स्टैंडिंग द पेमेंट शैल बी अप्लाइड इन डिस्चार्ज ऑफ ईच प्रोपोर्शनली. अगर स्टैंडिंग चार्जेस हैं तो दोनों के बीच में ज़्यादा बांटेंगे. अनलेस देयर इज एन एग्रीमेंट अनटिल एंड अनलेस अगर कोई एग्रीमेंट बना हुआ है कि कितने रेशियो में कितने प्रपोर्शन में आपका कौन कौन देगा, जब तक कि आप इक्वली बांट देंगे. इफ़ अ कस्टमर हैज ओनली वन अकाउंट, एक ही अकाउंट है, ही डिपॉजिट एंड विड्रॉ मनी इट रेगुलरली, तो क्या करेगा, इन ऑर्डर टू विच द क्रेडिट एंट्री है सेट ऑफ द सेट ऑफ करने के लिए उससे डेबिट कर देगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में. ये है क्लेटन्स रूल. ये क्या है, क्लेटन्स रूल है कि अगर जो एक्टिव अकाउंट होगा जिसमें डेली ट्रांजेक्शन होते हैं उसमें से आपका पैसा निकाल दिया जाएगा. द रूल इन द क्लेटन्स केस क्या है, ये क्लेटन क्या बोल रहा है कि लेट डाउन इन अ फेमस देवन्यास वर्सेस नोबल. देवन्यास वर्सेस नोबल नाम दिया गया है. द रूल अप्लाइज इन द रनिंग अकाउंट लाइक CC और OD करंट अकाउंट या फिर आउटस्टैंडिंग डेट अकाउंट्स में जैसे डेबिट कर दिया जाएगा. द रूल स्टेट्स दैट ईच विड्रॉल इन द डेबिट अकाउंट, जो भी डेबिट अकाउंट में विड्रॉल है, इज कंसिडर्ड एज अ न्यू लोन एंड ईच डिपॉजिट इन द रीपेमेंट अकाउंट इज इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. मतलब कि अगर आप पेमेंट अकाउंट है तो आपका वो माना जाएगा कि आपने लोन ले लिया, और आपका रीपेमेंट अकाउंट है तो वो माना जाएगा कि आपने पैसा जमा करा दिया. तो ऐसा एक अकाउंट खुल जाता है जहाँ पे जमा करना और निकालना पैसा लगा रहता है. तो ये बहुत लेंदी क्वेश्चन है, बिल्कुल लॉ की टर्म्स दे रखी है, एकदम लॉज एंड रूल्स बताए गए हैं पूरे क्वेश्चन में. बहुत हार्ड क्वेश्चन है ये. तो आप इस वीडियो को क्या करिएगा, बीच बीच में हर 10 मिनट्स में इसको रोक के पॉज करके पूरा वापस से पढ़िएगा, वापस से देखिएगा और फिर आगे बढ़िएगा. एवरी 10 मिनट्स में आप वीडियो को पॉज कीजिए और उसके नोट्स बनाइए और फिर आगे का वापस से पढ़िए. तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा. थैंक यू सो मच.